मेरी जो मोस्टली सब्सक्राइबर हैं जिनके प्रेगनेंसी का 7, 8 और 9 मंथ चल रहा है, जिनका 7, 8 मंथ चल रहा है वो ऑलरेडी जानना चाहती हैं कि हम लेबर पेन लाने के लिए क्या क्या करेंगे, और जिनका 9 मंथ चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रही है कि हमें लेबर पेन लाने के लिए आप जो जो बोलोगे हमें वो खाना ही है और उस लेबर पेन को लाना ही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आप क्या क्या डाइट ले सकते हो, इसका सही रीज़न क्या है और आप लोगों को क्या क्या करना है। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है श्वेता और इस चैनल पर मैं आप सबके साथ अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। तो अब हम बात करते हैं लेबर पेन लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अब कुछ YouTube वीडियोज, कुछ Google सर्च के थ्रू मैंने भी सर्च किया था अपने टाइम में, हर कोई करता है कि लेबर पेन कैसे लाया जा सकता है। सबसे बड़ा चीज़ है इसमें कास्टर ऑयल बताया जाता है, पाइन एप्पल बताया जाता है, पपाया बताया जाता है, और भी जो गर्म चीज़ है जो खाने के बाद ज़्यादा गर्म करती है हमारे बॉडी को, उन सारी चीज़ों को बताया जाता है कि आप ये सारी चीज़ें ले सकती हैं अपने प्रेगनेंसी के 9 मंथ अब आई थिंक कंप्लीट होने वाला है, 2-4 दिन या 1 वीक रह गया है, उस टाइम से आप लेना स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये लेना हमारे सेहत के लिए कैसा रहेगा? देखिए, पहली बात कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनकी प्रेगनेंसी स्मूथ नहीं है, उनको प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और वो पूरी प्रेगनेंसी कोई ना कोई मेडिसिन ली है, इस केस में भी वो तैयार रहती हैं लेने के लिए। सबसे ज़्यादा लेडीज़ मेरे पास कमेंट्स आते हैं कास्टर ऑयल लेने के लिए, वो कास्टर ऑयल पीना चाहती हैं, अपने डाइट में शामिल करना चाहती हैं। दूसरा बात है कुछ पाइनएप्पल, कुछ पपाया खाना चाहती हैं। देखिए गाइज, मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैंने इस बारे में अपने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना किया, हालांकि मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ रही। उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे बोला कि सबसे बड़ी बात आप 40 वीक तक इंतज़ार करो, आपकी जो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो 36 वीक होता है तो उन्हें लगता है उनका 9 मंथ कम्प्लीट हो गया। 36 वीक पे कभी भी 9 मंथ कंप्लीट नहीं होता है, बट 36 वीक के प्लस में कभी भी आपको डिलीवरी होती है तो वो एक डिलीवरी परफेक्ट टाइम मानी जाती है, 36 वीक से 40 वीक के अंदर। इंडिया में 40 वीक तक कंसिडर करते हैं, अदर कंट्रीज़ में इंडिया से बाहर 42 वीक तक कंसिडर करते हैं, ये उनका अपना एक पैमाना कह सकते हैं, बट हमारा है 40 वीक तक। मेरी डिलीवरी 39 वीक प्लस सेकेंड डे हुई। मैं लेबर पेन लाने के लिए क्या क्या की? मैं लेबर पेन लाने के लिए कुछ भी नहीं की, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे सख्त मना किया, क्योंकि लेबर पेन को लाया नहीं जा सकता है, कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेबर पेन वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तभी आएगा जब आपके आपका पूरा टाइम समाप्त हो गया होगा, बच्चे की पूरी डेवलपमेंट हो चुकी, हर तरह से सब कुछ फाइनल और ओके हो गया रहेगा, तो वो अपने आप आने लगता है। मैं खुद भी 36 वीक के बाद काफ़ी इंतज़ार करने लगी थी कि मेरा लेबर पेन आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, तो वो नहीं आया। जब उसे आना था, जब कंप्लीट टाइम हुआ तभी आया, हालांकि मेरे पास 40 वीक के बाउंड्री तक मैं इंतज़ार की, 3 से 4 दिन रह गया था मेरा 40 वीक कंप्लीट होने में। मेरी डिलीवरी का डेट 24 को था और मेरी नॉर्मल डिलीवरी 12 को हुई, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से 12 दिन पहले मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। अब बहुत सारी लेडीज़ को लगता है कि 36 हुआ नहीं कि उनकी डिलीवरी हो जाए, वो कुछ भी खाने को तैयार है, तो गाइज अगर आप कुछ भी खाती पीती हैं तो इसका पूरी तरीके से बैड इफ़ेक्ट जाएगा, आपके बच्चे पे भी हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है। और कास्टर ऑयल लेने से कभी भी लेबर पेन किसी को नहीं आया है, जो अगर आप सोच रहे हो कि कास्टर ऑयल पाइन एप्पल पपाया वगैरह ले लेने से आएगा, नहीं, लेबर पेन को इंड्यूस किया जा सकता है। लेबर पेन आपको ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उसे बढ़ाया जा सकता है, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। मतलब ये है कि लेबर पेन अपने आप आता है, उसको डॉक्टर भी नहीं ला सकते हैं। लेबर पेन अगर आपको थोड़े अमाउंट में बहुत ही कम आ रहा है तो डॉक्टर्स उसको इंजेक्शन से और मेडिसिन के थ्रू उसको बढ़ा सकते हैं, लेबर पेन के इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, और लेबर पेन तेज़ आने लगेगा, उसके बाद आपका सर्विक्स ओपन होगा, उसके बाद आपकी डिलीवरी होगी। लेकिन ऐसे ही लेबर पेन नहीं लाया जा सकता। आप आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए। तो कुछ भी खाने पीने कुछ भी करने से आपकी सिचुएशन बिगड़ती है, आपको लेबर पेन उससे नहीं आता है। अगर आपको थोड़ा भी लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है, इस केस में आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो इंजेक्शन देंगे, लेबर पेन तेज़ हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा और फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब यहाँ है कि कुछ लेडीज़ इंतज़ार करती हैं नॉर्मल डिलीवरी का, लेकिन उनका लेबर पेन नहीं आता, इस केस में उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, उनकी सी सक्षम हो जाती, उन्हें क्या क्या करना चाहिए।
गाइज आपकी प्रेगनेंसी कैसी है कैसी नहीं है वो आपके रिपोर्ट्स बताते हैं। तो इस केस में आप अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें जो कोशिश करें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और रही बात लेबर पेन की, अगर आप पूरे मंथ में अच्छी डाइट ली हैं तो लास्ट फाइनल तक भी लेबर पेन आया है। मेरी एक रिलेटिव हैं, अल्ट्रासाउंड 40 वीक समाप्त हो गया था, फिर भी डॉक्टर ने बोला नहीं आप एक वीक और इंतज़ार करो। उन्होंने एक वीक इंतज़ार किया, उनको लेबर पेन आया, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो जब भी आपका 40 वीक हो जाता है ना, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलो और सारी बातें बताओ। अगर डॉक्टर रुकने को बोलते हैं लेबर पेन का इंतज़ार करेंगे, तो आप इंतज़ार कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा मत खाइए, क्योंकि उसे आएगा भी नहीं और नुकसान और हो जाएगा बच्चे को और आपको हो सकता है। और आपको नॉर्मली वेट करना है, नहीं तो डॉक्टर जो आपके लिए सी सेक्शन का डिसीजन लेते हैं, तो कई केस में सी सेक्शन इतना भी बुरा नहीं होता है। सी सेक्शन के थ्रू माँ और बच्चा दोनों को सुरक्षित बचाया जाता है। पहले के ज़माने में जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चे और माँ के साथ नहीं बचाया जा सकता था, कहने का मतलब, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, दोनों को सुरक्षित बचाया जाता है। तो जो भी आपके डॉक्टर डिसीजन लेंगे उनके डिसीजन को मानिए। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।